चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर 8, मोशन। ये पहला वीडियो है, बहुत सारा टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, साउंड प्रॉब्लम हो सकता है, तो झेल लेना है। तो चैप्टर 8 मोशन, जिसमें बॉडी की गति और गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली बॉडी दो टाइप में रहता है, आइदर रेस्ट या आइदर इन मोशन, रेस्ट या मोशन। रेस्ट मीन्स विथ रेफरेंस टू अदर ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोलूं ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है किसके रेस्पेक्ट में चल रही है? ट्रेन अर्थ के रेस्पेक्ट में चल रही है। अगर ट्रेन के पैरल में एक और ट्रेन चल रही है और दोनों ट्रेन की स्पीड सेम है, विथ रिस्पेक्ट टू दैट ट्रेन दूसरी जो ट्रेन है वह जीरो स्पीड पे है। और मोशन किसको कहेंगे? अगर विथ रिस्पेक्ट जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, अगर वह मोशन में है। पहले दोनों का डेफिनेशन बता देते हैं। रेस्पेक्ट, रेस्ट मतलब बॉडी इज नॉट मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस। मोशन में क्या आएगा? बॉडी इज मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस। बॉडी इज नॉट मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस, बॉडी इज मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस। चलिए इसको एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। सपोज करो 12 बजे 12 AM स्कूल है, सन्नी यहीं पे खड़ा है, स्कूल है और सन्नी खड़ा है, दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है। 1 बज गया, एक बजने के बाद भी सन्नी का पोजीशन यही है, तो देख रहे हैं समय के साथ सन्नी और स्कूल के बीच का डिस्टेंस सेम है, कुछ बदलाव नहीं आया, तब क्या बोलेंगे? सन्नी रेस्ट में है। अगर सपोज करो 12 बजे सन्नी यहां पे है, अब 1 बजे सन्नी यहां पे चला जाता है, तब इसको क्या कहेंगे? सन्नी इज मूविंग, सन्नी किसी मोशन में है, मोशन में है विथ रेस्पेक्ट टू किसके? स्कूल के, या विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। पहले यहां पे था, ये पोजीशन है, ठीक है। तो रेस्ट एंड मोशन ज्यादा नहीं जानना है, बस इतना ही जानना है। जब भी मैं लिखूं और फिर अगर आपको बोर्ड से नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके तब लिखिएगा। मैं अभी रब कर देता हूं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम मोशन के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। बेसिकली वन टाइप, दो तीन टाइप का मोशन होता है। एक है लीनियर, जिसे ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं, दूसरा है सर्कुलेटरी, तीसरा है ओसिलेटरी।
लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब कि बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। जो कार चलती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। सर्कुलेटरी मोशन मीन्स कि बॉडी इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्टेन पॉइंट अराउंड इट। अगर सपोज कीजिए एक स्टैचू है बीच में, उसके चारों बगल एक बच्चा गोल गोल घूम रहा है, तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे? सर्कुलेटरी मोशन। एक ही पॉइंट के चारों बगल घूमना, उसको कहते हैं सर्कुलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन किसे कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे एक पोजिशन है उसके आगे पीछे करना, एक बार इधर गया, एक बार पीछे गया, फिर आगे, मतलब एक पेंडुलम टाइप, या आगे पीछे करना। जैसे हम क्लासरूम में चल रहे हैं, आगे जा रहे हैं, फिर पीछे आ रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं, फिर पीछे आ रहे हैं, इसको कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। तो अब हम लोग इस चैप्टर में लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बहुत सारा टर्म्स आएगा, स्पीड आएगा, वेलोसिटी आएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ठीक है। इसी को इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। इसके पहले, वो सब पे जाने के पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी बस जितना बात है सब रिकॉर्ड भी होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी मीन्स एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। कोई भी चीज जिसका मेजरमेंट हो सकता है उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी मीन्स फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। जिस फिजिकल क्वांटिटी के सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा बट कोई डायरेक्शन नहीं होगा। अब वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे सपोज कीजिए इसका क्या क्या किस कौन कौन सा क्वांटिटी आएगा इसमें? आपका आएगा एग्जांपल में डिस्टेंस, स्पीड, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसमें एग्जांपल में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, टाइम का डायरेक्शन नहीं होता। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी जिसका दोनों डायरेक्शन, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको कहेंगे स्केलर, जिसका वेक्टर जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो, बस यही है।
अब अलग अलग क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग क्वांटिटी पढ़ते पढ़ते उस तब बता दिया करेंगे कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। अब रब करते हैं इसे एक बार। अब इसके बाद हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। इधर का मीटर डिस्टेंस एंड स्पीड। चलो अब नेक्स्ट टर्म हम लोग क्या क्या टर्म आएगा, क्या क्या टर्म आएगा उसके ऊपर पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में देखिए हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, नहीं उसके पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूसरा पढ़ेंगे स्पीड वेलोसिटी, फिर तीसरा पढ़ेंगे एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, फिर चौथा पढ़ेंगे ग्राफ, फिर पांचवा पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के पहले ही आ जाएगा, न्यूमेरिकल्स के पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस तीन इक्वेशंस हैं, तीनों इक्वेशन बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन फिर आएगा ग्राफ, ग्राफ हो गया न्यूमेरिकल्स। तो बारी बारी से एक एक करके पढ़ते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, फिर स्पीड वेलोसिटी पढ़ेंगे, और एक एक टॉपिक करते करते उसका कुछ न्यूमेरिकल भी करते रहेंगे जो इजी रहेगा हम लोगों के लिए पढ़ना। या तो टाइट करना होगा, नहीं उसको उसको टाइट करना होगा, इसका ये लूज होगा इसलिए थोड़ा सा। ठीक है मिटा दें, अब आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्टेंस का मीन्स होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस देखिए,
डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, क्वांटिटी ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी नेगेटिव जीरो और पॉजिटिव, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। चलिए ये याद रखना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस क्या है, इसका मतलब क्या होता है, और फिर न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर तो पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा डिस्टेंस क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या है। वापस यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो एक ये ग्राफ है, ये सेंटर है जीरो, ठीक है, यहाँ पे 10 पॉजिटिव 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, और फिर यहाँ पे -10, -20, -30, -40। पॉइंट का नाम दे देते हैं, ये है ओ पॉइंट, नहीं ओ नहीं देते हैं, ओ और जीरो में कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको ए पॉइंट नाम देते हैं, इसको सपोज करो बी देते हैं, इसको सी देते हैं, फिर यहाँ पे डी देते हैं, इसको ई देते हैं। ऊपर वाले बोर्ड को रब करते हैं तब एक्सप्लेन ज़्यादा अच्छा से कर पाएंगे, या ऊपर वाले बोर्ड को कुछ रब करते हैं कुछ। अब देखिए डिस्टेंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर बॉडी ए से सी पे जाती है, ठीक है, और सी से वापस बी पे आ जाती है, ए से सी को गई फिर सी से बी पे आ गई, तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया बताइए, जीरो से 50 गया, 50 से फिर 30 पे आ गया, मतलब 50 + 30 तो मतलब सी से बी में आने में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 20। 50 और 30 के बीच का डिफरेंस क्या है, 20। 50 और 30 का डिफरेंस 20 ना, एसी पहले एसी हुआ, एसी कितना है 50, फिर सी से बी पे आया बी सी कितना है बी सी 20, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हुआ 70 मीटर, टोटल डिस्टेंस कवर 70 मीटर। अब देखिए उसी तरह डिस्प्लेसमेंट देखिए कैसे होता है, डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा अंतर होता है, ये दिक्कत हो रहा है क्या, मस्त लग रहा है लेकिन हम लिखेंगे कैसे, यही थोड़ा सा है, डस्टर दे देंगे तब फिर भी लिखने में नहीं बनेगा ना, एक्चुअली लाइट को ऊपर में लगाना होगा अगले दिन से,
बोट के ऊपर लाइट रहेगा तब ठीक होता है। रनने दो, देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट देखिए, अगर देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट ए से बी में जाता है, ठीक है, फिर बी से वापस डी में आ जाता है, ए से बी में गया, बी से वापस डी में आ गया, तो बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये बताना है। ए से बी में गया, बी से वापस डी में आ गया, डिस्प्लेसमेंट बताइए। पहले बताओ ए बी कितना है, नहीं डिस्प्लेसमेंट बोला जा रहा है ना, तो हम मुझे किससे मतलब है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन से। इनिशियल पोजीशन क्या था, ये वाला आई, फाइनल पोजीशन क्या है, ये वाला एफ, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये जीरो था ना, -10 -20, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है -20। फाइनल माइनस इनिशियल, कितना कवर किया, कहां गया, फुआ के यहां गया, मौसी के यहां गया, कहां गया, उससे कोई मतलब नहीं है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच को देखना है सिर्फ। फाइनल इनिशियल पोजीशन देखिए और दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकाल दीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया -20 मीटर। -20 मीटर होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो ये एक्सप्लेन हो गया।